ये मेरे ऊपर गोली चली, ये मेरे ऊपर गोली चली, ये मेरे ऊपर गोली चली, ये गोली अभी है। ये गरम तेवर पहलवानी के कारण आया, कुश्ती के कारण की? नहीं, खानदानी है। यहाँ मुद्दा क्या है इस बार? है? मुद्दा भूषण सिंह। तो ये बाहुबली इमेज जो दिल्ली वाला पूरा एक इमेज बनाते हैं, वो कैसा लगता है? क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ जीने का फैसला कर लिया आपने? कर लिया। देखिए, मेरे अंदर कुछ कमी भी है, वो कमी हमारे बच्चों के अंदर नहीं है, आप खुद देखेंगे। जनवरी 2023 तक तो सब ठीक था? हाँ, ठीक था। फिर क्या हुआ अचानक? से कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये दबदबे का वो जो एक पुराना रवायत चलती है, वो चलेगी यहाँ पे? नहीं, दबदबा की कोई बात नहीं है। दबदबा मतलब उसकी बहुत सारी परिभाषा है, जैसे सबका साथ है, इतने लोग उनके पीछे हैं, इतना लोग उनको चाहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। नेताजी एक एक आदमी को व्यक्तिगत जानते हैं, सब बोलते हैं एक एक मोहल्ले में। वो दूर से बहुत बुजुर्ग से बोलते रहे, तेरे बापे हाथी के दिमाग है, ऐसा बोलते हैं। हम कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? हमारे साथ है जीवन भर भगवान करें संसार लोग साथ है। पहले भी आप साथ थे, आज भी आप साथ हैं। जो मिठाई की प्लेट गरीब आदमी के सामने जाती है, वही मिठाई की प्लेट बड़े से बड़े आदमी के सामने जाती है। मैं कविता पढ़ता हूं, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार नहीं था, पर वो भी आलोचक कैसे करते दर्द उसके मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था। नमस्कार, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने गोंडा, बलरामपुर, केसरगंज इलाके से बहुत चुनाव जीते, बहुत चुनावों में कैंपेन किया, और ये उनके लॉन्ग पॉलिटिकल करियर में सिर्फ दूसरी बार है जब ये किसी के लिए वोट मांग रहे हैं। अच्छी फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है, गुड फीलिंग। गुड फीलिंग। बेटा उतरा है? देखिए, ये जिंदगी रेल की पटरी नहीं है, ये नदी की धारा है, और नदी की धारा जो है दहिने बाएं मारा करती है, मतलब कटान होती है। हर आदमी एक निश्चित योजना बना करके चलता है, तो उसमें व्यवधान पैदा होता है, और उसी को थर्ड फोर्स कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो थर्ड फोर्स आई और हमको डिस्टर्ब किया, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी हम ही को सांसद बनाना चाहती थी, आसपास के भी लोग हम ही को सांसद बनाना चाहते थे। लेकिन 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे, और संजोग था 33 साल की उम्र में हमारा बेटा सांसद बन रहा है। तो तैयारी वारी करवाई है, ट्रेनिंग करिंग करी है? नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की। देखिए, पॉलिटिकल परिवार के लड़के वो जब 7 साल के होते हैं उसी दिन से उनके ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आपके पिता पॉलिटिक्स में थे? नहीं, बाबा। बाबा, आपके बाबा? लेकिन उनको मैंने देखा नहीं है। 2 साल रहे वो विधायक रहे। आपने पॉलिटिक्स जीरो से शुरू की थी, और जीरो से शुरू करके पॉलिटिक्स में आने का कारण क्या रहा? देखिए, एक तो हमारे परिवार में पॉलिटिक्स थी, और बाबा के ज़माने में ही एक बहुत बड़े आदमी से उनका संघर्ष हो गया था, और उस बड़े आदमी ने जैसे कंस कृष्ण के ऊपर नज़र रख रहा था, वैसे वो बड़ा आदमी मेरे ऊपर नज़र रख रहा था।
ये किसी महल के जिक्र? हाँ हाँ, किसी राजा की बात है। अब जैसे आज हमें नवाजा जाता है माफिया, बाहुबली, तो ये मेरे ऊपर गोली चली, ये मेरे ऊपर गोली चली, ये गोली अभी है। कितनी? चार हैं। चार हैं। और 1964 में मेरा खनगा गिराया गया। खनगा यानी जानवर जहाँ रहते हैं। उस समय मेरी उम्र 7 साल थी। जिस समय 74 में, जिस समय हमारी उम्र 17 साल की थी, उस समय घर गिराया गया। तो ये नहीं दिखाई पड़ता किसी को। लेकिन जो हमारे साथ षड्यंत्र हुए, या हमारा घर गिराया गया, या हमारे भाई की हत्या हुई, या कुछ परिस्थिति ने भी हमारे साथ खेल खेला, हम 6 भाई थे, अकेले रह गए, एक बड़ा बेटा भी हमारा 2004 में चला गया, प्रकृति ने भी जो हमारे साथ खेला, लेकिन मैंने पीछे पलट करके नहीं देखा। तो ये बाहुबली इमेज जो दिल्ली वाला पूरा एक इमेज बनाते हैं, वो कैसा लगता है? क्या कर सकते हैं? You have learned to live with it. नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ जीने का फैसला कर लिया आपने? कर लिया। देखिए, जो हमारी केस हिस्ट्री है, जिसके आधार पर इन्होंने चार्ट बनाया, उसमें फैजाबाद की राजनीति में एक मित्रसेन यादव सांसद हुआ करते थे, कई बार सांसद थे। उनका झगड़ा था विभूषण तिवारी से, और उनके दोनों के बीच में काफ़ी गंगवार होता था, झगड़ा होता था। उन्होंने सारे केस उनके उठा करके मेरे क्रिमिनल हिस्ट्री में जोड़ रखे हैं। इसको लेकर के हाई कोर्ट तक से आदेश ले आया। तीन चार पाँच कप्तान चले गए, कोई छूने को तैयार नहीं है। उसके बाद आप पे टाडा लगा दिया? हाँ, टाडा लगा दिया, कोई बात नहीं। टाडा लगा दिया था तो पत्री सांसद बन गई। सर्कमस्टेंसेस थे वो? हाँ, देखिए, टाडा लगा था, कल्पनाथ राय जी को बंद करना था। सीधा सा नरसिंहा राव जी की सरकार थी, चीनी घोटाला हुआ था, कल्पनाथ राय जी को उनको बंद करना था, और उनके साथ के लिए कुछ चाहिए, तो बीजेपी से हमें लपेट लिया। जो आरोप हमारे ऊपर थे, जो आरोप कल्पनाथ राय जी के ऊपर थे, वही आरोप तो चंद्रशेखर जी पर थे, वही आरोप ललित सूरी पर थे, वही आरोप कुकू बत्रा पर थे। लेकिन बाद में जो फैसला आया, तब सबको सजा हुई, हम छूट गए। 13 लोग थे, 12 लोगों को सजा हुई, हम छूट गए, क्योंकि हम फंसाए गए थे। लेकिन क्योंकि आपके राइवल कहते हैं कि उस टाइम पे आपने गवाहों को धमका दिया हो। अरे भैया, अब कल्पनाथ राय कैबिनेट मंत्री थे, वो नहीं धमका पाए, और इतने बड़े बड़े आदमी उस केस में बंद थे, भाई ठाकुर, धीरेन्द्र ठाकुर, कौन ठाकुर, फरा ठाकुर, और अरबपति खरबपति, वो नहीं धमका पाए। इधर घाघरा पार अयोध्या है। जी। आप अयोध्या मुद्दे से भी जुड़े, बहुत कम लोगों को मालूम है कि आप 1989 से काफ़ी सशक्त रूप से रहे, तो मंदिर मूवमेंट में कैसे आए? नहीं, मैं वहाँ छात्र था, और मैं 80 के दशक में छात्र संघ का महामंत्री बना था। अच्छा। और मैं अयोध्या में ही एक तरीके से मेरा निवास स्थान था। अच्छा। कर्मस्थल था, वहीं हम रहते थे, हनुमानगढ़ी पर, वहीं डेली कुश्ती लड़ते थे। उसी समय मूवमेंट शुरू हुआ, तो स्वाभाविक है, राम जन्मभूमि का मूवमेंट है, और उस समाज से हम जुड़े हैं, और अयोध्या में रहते थे तो जुड़ गए। तो ये गर्म, बहुत अच्छे से जुड़े। ये गर्म तेवर पहलवानी के कारण आया, कुश्ती के कारण की? नहीं, खानदानी है। है? ये खानदान, हॉट ब्लडेड है सब, है खानदानी है, है? खानदानी है। यानी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज तक किसी नेता को ये नहीं देखा कि जिसने कहा कि मेरे पे ये इल्जाम मत लगाओ, गोली चलाने का कहो तो मैंने चलाई है। हाँ, वो एक घटनाक्रम था जिसमें मैंने बोला सेल्फ डिफेंस में। हाँ, मुझे ये आप इसके आगे बताइए कि अभी आपने जिक्र जो किया षड्यंत्र का नरसिम्हा राव के द्वारा, जनवरी 2023 तक तो सब ठीक था। हाँ, ठीक, कुश्ती महासंघ ठीक था। फिर क्या हुआ अचानक? देखिए, अचानक ये हुआ कि ये कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद मैंने प्राप्त किया था दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके, और फिर 2-3 बार निर्विरोध हो गया। फिर पूरे देश के लोगों का मूड था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष करणभूषण सिंह बनेंगे, तो ये लोग लड़कर नहीं जीत सकते थे, और अभी लड़े, इस परिस्थिति में भी लड़े हैं। आपने देखा होगा कि हारे हैं, 43 वोट हमको मिले हैं, और हमारे कैंडिडेट को मिले, और 4-5 वोट इन लोगों को मिले, इस परिस्थिति में हारे हैं। तो इन लोगों ने मिल करके, कुछ उद्योगपति थे जो मुझे नापसंद करते थे, मेरे, आप किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं, जैसे आप देखिए ओलंपिक के समय मैंने एक बयान दिया था जी, कि मेरा 2 मेडल ओजीक्यू और जिंदल खा गए जी। तो बयान भी मेरे ऊपर भारी पड़ा, सब मिल करके षड्यंत्र किया इन्होंने। आप कह रहे हैं हरियाणा लॉबी एक हो गई थी? हरियाणा सब नहीं है, हरियाणा में केवल भूपेंद्र हुड्डा लॉबी। देखिए, हरियाणा में आज भी मेरा ही समर्थन है, खिलाड़ियों में मेरा ही समर्थन है। कुछ चंद खिलाड़ी जो बीत चुके थे, और उन्होंने एक योजना बनाया कि हमें कुश्ती संघ पर कब्जा करना है। तो ओलंपियन थे, आपसे क्यों नाराज हुए?
अब बहुत बार बातें आ चुकी है, अभी कुछ बातें कानून कड़क करके नहीं जैसे हमने कहा बिना ट्रायल के नहीं जाओगे, और कई बातें हैं, अब जाने दीजिए। लेकिन आपका आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने इस मौके पे आपको बैक किया? देखिए बीजेपी अपना काम कर रही थी, अपना काम कर रहे थे, ये तो बीजेपी का कोई काम है नहीं, कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, FIR हुई, उसमें गिरफ्तारी बनती नहीं थी, बेल हो गई, केस लड़ रहा हूँ अभी, चार्ज के लिए हमने प्रोटेस्ट किया था, चार्जशीट भी लग गई है, फिर उसको प्रोटेस्ट करेंगे। जिस समय आप पे आरोप दबाव था कि इनको हटाओ, तो क्या बीजेपी में किसी नेता ने कहा कि आप हट जाइए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, केवल जब करण भूषण सिंह को अध्यक्ष बनाए, चूंकि उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के करण भूषण सिंह अध्यक्ष है, तो वोटर लिस्ट में हमारा नाम था और करण भूषण सिंह का नाम था, तो हमारे किसी खास नेता का फोन आया कि करण भूषण सिंह का नाम हटा लीजिए और बाद में इनको बनाइएगा, तो उनके कहने पर मैंने करण भूषण का नाम भी हटा लिया और अपना भी नाम हटा लिया। अब ये इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं लोगों ने विरोध किया, अब करण भूषण सिंह सांसद बनकर जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा एज भी नहीं हुआ, आपका पॉलिटिकल करियर कहीं एक तरह का ब्रेक लग गया है? जो किस्मत से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है, ब्रेक तो मेरे करियर को अभी नहीं लगेगा, मैं तो सक्रिय रहूँगा, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ा है कि राजनीति ही, इलेक्शन ही एक माध्यम हो सकता है सेवा का। मैंने आज आपकी पहली बार आपकी जो स्पीच सुन रहा था, पहली बार आपकी ऐसी अपील सुनी कि किस तरह से भगवान राम के साथ खड़यंत्र हुआ था। हाँ होता है, बात मैंने आपको सुना, ऐसे ऐसे होता है, सबके साथ होता है, हर आदमी के जीवन में होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। हमारे साथ हुआ, उस बार हुआ तो पत्नी सांसद बन गई, इस बार हुआ तो बेटा सांसद बन रहा है, और 33 साल की उम्र में हम बने थे, 33 साल की उम्र में वो बन रहा है, अब आगे देखा जाएगा। चार्जेस जो फ्रेम हुए इसको लड़ेंगे अच्छी तरह? नहीं, ये कुछ चार्ज नहीं, कुछ चार्ज नहीं, थोड़ा इलाका विकास मांगता है। हाँ बिल्कुल, विकास मांगता है। विकास देखिए क्या है कि यहाँ जैसे ग्रामीण सड़कें बनी बहुत लेकिन टूट भी रही है, मेंटेनेंस नहीं है। हाँ टूट भी रही हैं, तो अगली सरकार बनती है तो हम लोगों का ध्यान ग्रामीण सड़कों को, हाईवे तो सब ठीक है, बढ़िया है, बिजली की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ग्रामीण सड़कों को थोड़ा और बेहतर करने की। आप कुश्ती का एक वो चलाते हैं, अकेडमी चलाते हैं, करीब 55 स्कूल कॉलेज चलाते हैं, 50-55, हाँ 52-53 होंगे। ये क्या आइडिया है? ये आइडिया मैंने चाणक्य से सीखा था, चाणक्य जो, हाँ चाणक्य को पढ़ा था, उसी से आइडिया निकाला था। क्या आइडिया है ये? आइडिया ये है कि हर गाँव में मेरा छात्र होना चाहिए, हर जाब में मेरा छात्र होना चाहिए, अध्यापक मेरे होने चाहिए, सिपाही दरोगा मेरे होने चाहिए। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं अभी आज दोपहर में विस्तार से बताएं आपके पीछे घूम रहा हूं, ये मैंने चाणक्य को पढ़ा था मैं, और ये चाणक्य को पढ़ करके ये फार्मूला मैंने निकाला, मैं कैंपेन में जुटा, हर घर में मेरे हर घर में बच्चे हैं। तो वहां पे वेलकम करने के लिए करीब 22-23 लड़कों की भीड़ खड़ी थी, उनमें से 21 लड़के आपके कॉलेजों के पढ़े हुए थे, तो ये आप अपनी आर्मी खुद ही तैयार कर लेते हैं पढ़ा लिखा के? ये हमारी बहुत दूरदर्शी सोच थी, क्योंकि उस समय हम पीछे से शिक्षा के क्षेत्र में गोंडा और बहराइच पीछे से, बहराइच दूसरे नंबर था पीछे से और गोंडा तीसरे नंबर पर था, तो इसीलिए मैं नारा दिया था स्वस्थ देवी पाटन मंडल साक्षर हरा भरा, तीनों पर मैंने काम किया। उसके पीछे यह था कि इससे मुझे हर प्रकार का लाभ मिलेगा और हर प्रकार का लाभ मिल भी रहा है। अभी तो मैं चाहूँ तो 5 लाख की रैली केवल बच्चों की कर दूँ, 12 साल के नीचे वालों की कर दूँ, देश में कोई नेता नहीं कर पाएगा। मैं अगर चाहूँ तो 15 साल के नीचे वालों की 5 लाख की रैली एक सप्ताह के अंदर कर दूँगा, हम मौसम ठीक रहे तो 3 दिन के अंदर, हम घर घर में बैठे। पिछली बार आप 2,87,000 वोट चाहिए, इस बार हमको लगता है कि बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ेगा। कुछ प्रूफ करना चाहते हैं? अब प्रूफ ये है कि वहाँ हरियाणा में बैठकर मेरी तकदीर का फैसला कर रहे हैं, हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं कि उन्होंने तो मेरे राजनीतिक भविष्य को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने बचा लिया, पार्टी ने बचा लिया, बेटे को मिल गया तो घाव थोड़ा भर गया, तो अब यहाँ से ज़्यादा वोट निकलना चाहिए। यहाँ मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा विभूषण सिंह, यहाँ सब मुद्दा विभूषण सिंह, पहले ही कहा था। बच्चों ने नारा आपने सुना है क्या लगाया है? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, चलिए बच्चों का है, लेकिन यहाँ मुद्दा विभूषण सिंह। अखिलेश ने कांग्रेस से अलायंस किया है, यहाँ पे ब्राह्मण उतारा है, क्या समीकरण बन रहे हैं यहाँ का? यहाँ का तो कुछ नहीं है,
ये वोट कटुए का काम करेंगे कि वोट ले जाने का? देखिए उनकी पार्टी का वोट है जी, उनकी पार्टी का वोट है। पिछली बार उनका पार्टी का प्रत्याशी 300,000+ वोट पाया था, लेकिन हमको लगता है इस बार घट जाएगा। जहाँ गए थे आप वहाँ पे हमने देखा कि आपने यादव से खास अपील करी, विशेष अपील हम कर रहे हैं यादव से, हमने देखा आपने वहाँ अपील करी थी। कांग्रेस के अलायंस से फायदा किसको होगा, सचमुच अखिलेश को फायदा होगा? अब देखिए मैं बहुत नज़र नहीं दौड़ाता हूँ, लेकिन कांग्रेस खुद ही अपनी ही, कांग्रेस का दुश्मन कोई नहीं है, कांग्रेस स्वयं अपनी दुश्मन है। क्यों? अब अभी आप सुन रहे थे कि 370 की बात कर रहे हैं कि वापस कर देंगे, अब बताइए ये क्या है, क्या ये संभव है? राम मंदिर पर फैसला पलट जाए, ये संभव है? क्या देश में आग लगवाना चाहते हैं? लेकिन आपको क्या लगता है अखिलेश की सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से कि कम होगी? हमको लगता है कि जो सीटें बसपा के पास थी वो छीन करके अखिलेश के पास आ जाएंगी। और राहुल गांधी जी का क्या होगा, रायबरेली आ गए? नहीं नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, वहाँ की जनता है। कुछ प्रियंका जी के लिए कहेंगे जो आपके खिलाफ सबसे पहले मैदान में उतरी थी? लड़ी ही नहीं, उनको लड़ना चाहिए था। क्यों नहीं लड़ी, क्या कारण आपको दूर से देख के लगता है? डर गई वो, डर गई। तो हम पार्लियामेंट में इस बार जब करण भूषण सिंह को देखेंगे तो आप क्या कहते हैं कि परिवारवाद होगा कि एक नई ब्रीड का नया नेता कैसरगंज को मिलेगा जो कि कैसरगंज की कमियों को दूर करेगा? देखिए करण हर तरीके से सक्षम है, क्षेत्र की जनता ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, नौजवानों ने एक्सेप्ट कर लिया, बड़े सरल हैं, और मेरे अंदर कुछ कमी भी है, वो कमी हमारे बच्चों के अंदर नहीं है, आप खुद देखेंगे। मोदी योगी फैक्टर कहाँ, यहाँ पे मोदी फैक्टर नहीं, मोदी का फैक्टर तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि मोदी का फैक्टर नहीं, मोदी का फैक्टर तो है, गांव में मोदी हैं, योगी जी भी हैं, स्कीम चलाएगा, हाँ है गांव में है, लेकिन यहाँ सब। वी विश यू लक मिस्टर ब्रिजभूषण सिंह, ऑल द बेस्ट।